तो ये है टिकनू पोवा 6 न्यू 5G और आज के इस वीडियो में हम इसकी डिटेल कैमरा टेस्ट करने वाले हैं। भाई इसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वैसे ना इसके कैमरे में AI के भी काफी फीचर दे रखे हैं, तो उनको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है सेल्फी कैमरे से 2K 30 FPS पे, यहाँ पे आप वीडियो देखो कि ये कैसी वीडियो रिकॉर्ड करता है दोस्तों, कलर्स वगैरह कैसे आ रहे हैं और लाइट कंट्रोल देखो। वैसे स्काई के कलर देखो तो आपको एकदम वाइट देखने को मिलेगा और वीडियो में ना थोड़ा सा वाइटनेस देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए डायनेमिक रेंज वगैरह तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है भाई यहाँ पे। अच्छा ये वीडियो अभी रियर कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है 2K 30 FPS पे। यहाँ पे आप वीडियो देखो कि ये रियर कैमरे से कैसे वीडियो रिकॉर्ड करता है और कैसे कलर्स वगैरह आ रहे हैं ये भी देखो दोस्तों। और अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करो तो ऑडियो वगैरह कैसे ये रिकॉर्ड करेगा वो भी आप देख लो। बाकी वीडियो मोड में एक फीचर दिया हुआ है वीडियो इन्हेंस करके, दोस्तों देखो अल्टीमेट वीडियो इन्हेंस ऑन लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे अभी हम एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ये वाली वीडियो अभी भाई अल्टीमेट वीडियो इन्हेंस पे रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे देखो क्या इन्हेंस कर रहा है वो आपको देखने भी पता चलेगा। बाकी वीडियो मोड पे दोस्तों आप मैक्सिमम यहाँ पे 10x तक जूम कर सकते हो एंड यहाँ पे आप फोटो मोड पे भी दोस्तों मैक्सिमम जो है 10x तक जूम कर पाओगे। अब दोस्तों इसमें ना एक काफी अच्छी चीज दे रखी है, पता है क्या, यहाँ पे ना आपको स्टैंडर्ड मोड मिल जाएगा और ब्राइट मोड मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना अगर आप स्टैंडर्ड मोड पे लेते हो फोटो तो आपको नेचुरल कलर देखने को मिलेंगे, ब्राइट मोड पे ये कलर को बूस्ट कर देता है। बाकी एक लाइन बाय लाइन में फोटो लेके दिखा देता हूँ, तो ये मैंने स्टैंडर्ड पे लिया और ये मैंने ब्राइट पे लिया, तो यहाँ पे आप कलर डिफरेंट देख सकते हो दोनों ही इमेज में। बाकी इसमें ना काफी सारे फीचर दिए हुए हैं। मोर पे दोस्तों आपको ब्लॉग मोड मिल जाता है, स्लोमो दिया हुआ है, टाइम लैप दिया हुआ है एंड डुअल वीडियो कैप्चर दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप फ्रंट रियर कैमरा का, आप कुछ ऐसे फ्रंट रियर कैमरे का एक साथ यूज कर सकते हो कुछ इस टाइप से। बाकी यहाँ पे आपको स्काई शॉप मिल जाता है दोस्तों, तो स्काई शॉप पे आप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्काई जो है चेंज कर पाओगे अपने फोटो में और ये काफी अच्छा लगता है देखने में। मैंने कुछ इमेज निकाली है यहाँ पे आप देख सकते हो, काफी अच्छी इमेज ये लेता है भाई, मस्त लगता है देखने में। वही दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लॉग मोड मिल जाता है और इसमें आपको काफी सारे प्रीसेट मिल जाते हैं दोस्तों, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप वीडियो बना सकते हो। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है बिगनर लोगों के लिए भाई, मैंने इसे निकाली है वीडियो, आप चेकआउट करो यहाँ पे ये कैसे वीडियो निकालता है। देखो मैं सिंगल पर्सन हूँ तो मेरे से जैसा हुआ वैसा मैंने करा भाई ट्राइपॉड पे डाल के, बाकी ठीक है लोगों को अच्छा लगता है ये सारी चीजें। बाकी यहाँ पे शॉर्ट वीडियो का भी ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट वीडियो भी आप निकाल सकते हो, काफी सारे यहाँ पे भी आपको इफेक्ट मिल जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है शॉर्ट वीडियो निकाल सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे आपको AR शॉर्ट मिल जाता है दोस्तों, तो AR शॉर्ट पे आप कुछ ऐसा दोस्तों इमोजी वगैरह जो है अपने फेस पे डाल सकते हो। ये क्या बन गया भाई मैं किसकी दुल्हनिया। खैर यहाँ पे इसमें ना AI फीचर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको AI JC पोर्ट्रेट मिल जाता है दोस्तों। अब ये जो चीज़ है कैसे काम करता है वो दिखाता हूँ, तो ये टाइमर चल रहा है दोस्तों। ओके ये 4 फोटो लेता है और ये देखो भाई क्रेजी चीज, यहाँ पे 3D एनिमेटेड अवतार बना दिया भाई मेरा, देख रहे हो। लेकिन भाई यहाँ पे ये मैं तो नहीं लग रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मेरे जैसा लग रहा है। यहाँ पे आपको दोस्तों काफी सारे जो है प्रीसेट मिल जाते हैं, मैं अपने बचपन की यादों को ताजा करने के लिए चिल्लूद में लिया था दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हो मेरी बचपन की कुछ ऐसी फोटो निकाल के दिया है ये दोस्तों। कैसा लग रहा है बताओ, मतलब मैं बचपन में ऐसा दिख रहा था क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा, मैं बचपन में इतना स्मार्ट थोड़ी ना था भाई जितना ये दिखा रहा है, चड्डी गंजी में घुमा करता था, ये तो कुछ और ही दिखा रहा है भाई। ओके तो ये जो तो आप वीडियो देख रहे हो, एक को मैंने रियर कैमरे से निकाला है और एक को मैंने फ्रंट कैमरे से निकाला है, और यहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ तो आप स्टेबिलिटी देख सकते हो कि ये कैसे स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है। और सच बताओ ना भाई तो ये बिल्कुल भी अच्छे स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता है। बाकी हाँ इसे मैं स्लोमो वीडियो निकाली थी, यहाँ पे भी जो वीडियो की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है, हालांकि दिया हुआ है तो ये चीज अच्छा है भाई। बाकी आपको कभी मन करे तो आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने इसके सुपर नाइट मोड पे फोटो निकाला था, यहाँ पे फोटोज अच्छे आते हैं, आपको लाइटिंग अच्छी देखने को मिलेगी फोटोज में। बाकी यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का मोड दिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने फोटोज निकाली थी, देखो यहाँ पे फोटो का MB साइज बढ़ जाता है दोस्तों, और यहाँ पे जो आप फोटो कैप्चर करते हो उसकी रेजुलेशन बढ़ जाती है। बाकी यहाँ पे मेरे को उतना कोई मेजर डिफरेंट देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे मैंने सेल्फी कैमरे से फोटो निकाली, देखो यहाँ पे कलर्स वगैरह आपको फोटोज में अच्छे देखने को मिलेंगे, डिटेलिंग उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल
मिलता है, बट 8 मेगापिक्सल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपको फोटोज में डिटेलिंग है वो ठीक देखने को मिलती है। बाकी लाइट कंट्रोल अच्छी कर लेता है, डायनेमिक रेंज वगैरह भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा सा एज डिटेक्शन का पंगा देखने को मिलता है, बट ओवरऑल जो फोटो निकलता है वो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे भाई। कलर्स वगैरह अच्छे देखने को मिलते हैं और लाइट कंट्रोल वगैरह भी अच्छी कर लेता है। एंड यहाँ पे मैंने रियर कैमरे से नॉर्मल मोड पे फोटो निकाला था, यहाँ पे देखो भाई फोटोज काफी खतरनाक आ रही है भाई। अब यहाँ पे फोटोज देखो तो भाई यहाँ पे फोटोज के कलर्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, फोटोज में डिटेलिंग भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी और लाइट कंट्रोल भी काफी अच्छी कर लेता है। बट कई बार मैंने देखा है कि बैकग्राउंड में अगर ज्यादा लाइट हो तो फेस को डार्क कर देता है, बट ओवरऑल जो फोटो निकलता है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और पोर्ट्रेट फोटोज भी काफी अच्छी निकालता है, वहां पे भी एज डिटेक्शन काफी अच्छे से कर लेता है, डिटेलिंग वगैरह आपको फोटोज में अच्छी देखने को मिलेगी और लाइट कंट्रोल भी ठीक ठाक कर लेता है दोस्तों। बाकी ओवरऑल इस वाले फोन का कैमरास देखें तो यहाँ पे कैमरा फोन का अच्छा है, देखो फोटोज वगैरह अच्छे निकलते हैं फोन से, लेकिन यहाँ पे जो वीडियोस है ना वो उतनी अच्छी मेरे को नहीं लगी है। बाकी आप अपनी राय बताओ कमेंट करके कि आपको इस वाले फोन का कैमरा कैसा लगा, जो जैसा था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलता है, बाय।